वेन्यू की नई वीडियो लेकर आ गए, बट उससे पहले बता देना चाहता हूँ टीआरएक्स जेम्स में मेरे को कितनी कमाई हुई देख सकते हैं। अराउंड 16 मेंबर्स यहाँ पर एड हो चुके हैं और 300 टीआरएक्स भैया मेरी कमाई हो चुकी है। एक कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भैया आप सोच रहे हैं सीधे ही लोगों को रेफर कर लेंगे तो उसे इनकम मिल जाएगी, नहीं है। सबसे पहले आपको आईडी एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, जाकर फटाफट से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत शानदार अर्निंग यहाँ पर हो रही है, मार्केट में पैसा बहुत है, बस कमाने वाला चाहिए। तो अब बढ़ते हैं भैया सीधा शिबा इनू के अपडेट पर, और उसके बारे में जो टीआरएक्स जेम्स है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जाकर चेकआउट कर सकता है। सबसे पहले देख सकते हैं क्रिप्टो बेसिक की तरफ से ट्वीट निकल कर आया, जिन्होंने कहा है कि जो व्हेल्स है उन्होंने लगभग देख सकते हैं 200 बिलियन शिबा इनू को बाय किया है, अराउंड 4.9 मिलियन डॉलर, तकरीबन 5 मिलियन डॉलर, 50 लाख डॉलर के तकरीबन यहाँ पर प्राइस में जो इसका वैल्यू होता है वो दिखाया गया है। द टॉप वॉलेट नाउ होल्ड 3.9 ट्रिलियन शिब, और जो सबसे बड़ा वॉलेट है वो अब यहाँ पर देख सकते हैं 3.9 ट्रिलियन शिबा इनू को होल्ड करके रख रहा है। उसके बाद देख सकते हैं लिखा गया शिबा इनू इन्फो की तरफ से, जिन्होंने कहा कि रीट्वीट इफ यू आर रेडी फॉर द शिप टू डू 100% दिस मंथ, मतलब इसी महीने में क्या 100% बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता। तो भैया मैं मार्च का तो यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन अप्रैल में काफी ज्यादा चांसेस हो सकता है, बिकॉज हमें पता है कि भैया ये जो अप्रैल मई जून जुलाई होते हैं फाइनेंशियल ईयर जैसे ही स्टार्ट होता है वापस, और जैसा कि हमें पता है हो गया है, तो उसके बाद में प्राइजेस में वापस हमें सर्च देखने को मिलता है, जैसा कि पिछली बार 2021 में हमें देखने को मिला था, उससे पहले हमें 2020 में देखने को मिला था, और 2019 में भी देखने को मिला था, अच्छे खासे बम्प में भैया इस महीने के दौरान यहाँ पर आते हैं। उसके बाद इसे अगला लिखा गया है शिबा इनूज प्रॉफिटेबली सोर्स टू 41%, शिबा प्राइस अटेम्प्ट की रेजिस्टेंस, जहां पर देख सकते हैं इस पोस्ट में अगर मैं आऊं तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि भैया ये जो प्राइस है मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200 के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, और अच्छा खासा रिटर्न देने का यहाँ पर भैया कोशिश भी कर रहा है, लगातार जो अपना रेजिस्टेंट है उसको ब्रेकआउट करते वापस ऊपर बढ़ने का ट्राई कर रहा है, और अच्छा खासा रिटर्न देने का ट्राई कर रहा है। अब वापस भैया एक बार के लिए नीचे आ रखा है, और अब वापस ऊपर बढ़ने की यहाँ पर तैयारी इसने स्टार्ट कर दी है। उसके बाद में भैया बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जहां देख सकते हैं लिखा गया है गेट रेडी गाइस बाय मोर शिबा बिकॉज द स्पेस शिप विल टेक ऑफ सून डेस्टिनेशन हाई वेरी हाई। जहां पर शिबा का जो टेक्निकल स्कोर देख रहे हैं, हम काफी दिनों पहले भैया 60 से लेकर 70 में चल रहा था, स्लाइटली बुलिश, उसके बाद में 70 से 80 आया, 80 से 90 आया, और अभी देख सकते हैं 90 से लेकर 100 के बीच में चल रहा है, 93.5% बुलिश चल रहा है। अप्रैल मई जून जुलाई के महीने ऐसे होते हैं भैया जहां पर लोग अपना एक बार के लिए सारा हिसाब किताब खत्म करके वापस हिस्सा में भैया पैसे डालने के बारे में सोचते हैं। उसके बाद देख सकते हैं अगला अपडेट किया गया है मिल्क शेक की तरफ से, जिन्होंने कहा कि द क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम ओवर द लास्ट 24 आवर्स इज 108.15 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है, जो लगभग 15% का इंक्रीज होता है, और चाहे डेफी हो चाहे यहाँ पर कोई भी और वॉल्यूम हो, सारे यहाँ पर प्लस में चल रहे हैं। सीधा संदेश है कि भैया अब प्रॉफिट्स हमारे बहुत शानदार निकल कर आ सकते हैं, डबल भी यहाँ पर हो सकते हैं, चाहे बिटकॉइन का प्राइस हो चाहे अदर ऑल्टकॉइंस का प्राइस भी क्यों ना हो। तो ये थी हमारी अपडेट अबाउट द टीआरएक्स जेम्स एंड द भैया शिवन के जो भी अपडेट थे, और भैया इसमें अगर आपको काम करना है तो सही से डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, पहला ही वीडियो जाकर पूरी पहले डिटेल ले लीजिए, उसके बाद में आप पर निर्भर करता है कि इन्वेस्ट करना या नहीं करना। मैंने कर लिया है, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, आपका मर्जी है, कहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।